फ्रेंड्स बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो फ्रेंड्स, ये मेरे मोबाइल का बैक कवर है, वाइट कलर का प्लेन कवर है फ्रेंड्स, अब जो है काफ़ी पीला पड़ चुका है। मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड्स कि इस पीलेपन को मैं कैसे दूर करूँ, उसके लिए मैंने आज एक यूनिक आइडिया लगाया है फ्रेंड्स। आप वीडियो को पूरा देखेगा, आपको कंप्लीट पूरा पता चल जाएगा, बिल्कुल यूनिक आइडिया है फ्रेंड्स और 100% वर्केबल है। फ्रेंड्स हमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें थोड़ा सा पानी गर्म करना है बर्नर पर। एक गिलास पानी हमें गैस के ऊपर गर्म कर लेना है, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं किस प्रकार से एक गिलास पानी गर्म कर रहा हूँ। पानी गर्म होने के बाद फ्रेंड्स हमें इसको थोड़ा थोड़ा ठंडा होने देना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना। और जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर आता है फ्रेंड्स, जो हम घर पे कपड़े उपड़े धोते हैं फ्रेंड्स, वो हमें एक चम्मच डिटर्जेंट पाउडर हम इस गर्म पानी के अंदर मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ आप वीडियो के अंदर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है और पानी को ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना, वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमारा मीडियम साइज़ का हमारा पानी रहना चाहिए। फ्रेंड्स हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं मैंने इसको मिक्स कर लिया। और जो मेरा बैक कवर है, अबे जो मेरा पीला पड़ चुका है, मैं उसको इसके अंदर डुबो दूंगा अच्छे से और इसको मैं अच्छे से मैं इसको साफ़ करूँगा। अब मैं यहाँ पर रुमाल की हेल्प ले लेता हूँ, मेरे पास हाथ थोड़े पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म है तो मेरे हाथ जल रहे हैं, तो मैं यहाँ रुमाल ले लूँगा फ्रेंड्स और मैं रुमाल से इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से इसके ऊपर रब करूँगा और इसको अच्छे से जिस प्रकार से हम कपड़े धोते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल वही प्रोसेस है। हम इसको अच्छे से इसको रुमाल की हेल्प से हमें इसको अच्छे से इसके ऊपर रब करना, ताकि जो हमारा पीलापन है वो अच्छे से हो जाए। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो गर्म पानी होता है फ्रेंड्स, वो हमारे जो हमारा कमर का जो पीलापन है फ्रेंड्स, उसको रिमूव करने के लिए काफ़ी कारगर है। फ्रेंड्स हमें यहाँ गर्म पानी का ही यूज करना है। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो ठंडे पानी से आपको बताते हैं, लेकिन वो इतना वर्केबल नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन ये हमारे 60-70% तो हमारे कर ही देगा इस पीलेपन को दूर। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को कम्प्लीट देखेगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। हमें इसको अच्छे से गर्म पानी में रुमाल से लगा लगा के इसको रगड़ के अच्छे से हमको इसको साफ करना है, ताकि हमारा जो पीलापन है वो थोड़ा सा भी ना रहे। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो और बीच बीच में छोड़ जाते हो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा करिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स हमें इसको अच्छे से धोना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके नहीं धोना है, बिल्कुल अच्छे से हम इसको धोना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं किस प्रकार से इसको धो रहा हूँ, कम से कम फ्रेंड्स हमको 5 मिनट तो धोना ही धोना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा कम धोया है, 3-4 मिनट तक ही धोया फ्रेंड्स, तो हमको 5 मिनट तक धोना है। फ्रेंड्स अब मैंने इसको क्या किया, ठंडे पानी के अंदर मैं इसको धो के लेके आ गया फ्रेंड्स, आपको वीडियो में बताया नहीं फ्रेंड्स, लेकिन मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसको ठंडे पानी में धो के लेके आ गया। और फ्रेंड्स अब देख सकते हैं आपके हमारा जो कवर है उसमें लगभग 60-70% का फर्क तो आ ही गया, लगभग हमारा रिमूव हो चुका है, लेकिन उतना तो नहीं, नया जैसा तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमारा रिमूव हो चुका है। फ्रेंड्स आप इसको सप्ते में 2 बार या 3 बार आप इसको ऐसा धोते हो, बिल्कुल आपके नया जैसा हो जाएगा ये। फ्रेंड्स कमेंट में करके जरूर बताएगा वीडियो कैसे लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।